ओके सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू मैन टू बाइक्स। एंड टुडे इज़ द डे व्हेन वी आर गोइंग फॉर दैट लॉन्ग राइड, एंड दिस इज़ द फर्स्ट लॉन्ग राइड आफ्टर द लॉकडाउन। सो काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा लॉन्ग राइड होने वाला है। एंड वी हैव प्रिपेयर्ड द ड्यूक 390 एंड द अपाचारा ट्रेटन। इफ यू हैवेंट सीन दैट वीडियो, वी सजेस्ट यू दैट टू चेक आउट दैट वीडियो समवेयर राइट हियर। लिंक विल बी समवेयर राइट हियर, कहीं यहाँ पे कहीं होता है। एनीवेज, सो बिफोर आई एक्चुअली बिगिन, लेट मी जस्ट शो यू माई टूरिंग सेटअप फॉर द अपाचारा 310, बिकॉज दिस इज द टूरिंग सेटअप विच आई एम गोइंग टू यूज फॉर माई फ्यूचर अपकमिंग राइड्स। ओके सो दीज आर ऑल माई बिलोंगिंग्स। वेल लेट्स स्टार्ट विद द टेल बैग। सो दिस इज माई रैनॉक्स टेल बैग एंड दिस इज माई रैनॉक्स टेल टीवो पैंट, राइडिंग पैंट्स। दिस इज माई रैनॉक्स एयर जी टी एल 2 जैकेट। दिस इज माई रैनॉक्स मैग्नापॉड टैंक बैग। राइनॉक्स 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 राइनॉक्स। Then we come to BBG, BBG full gauntlet gloves. We have my empty Thunder 3 helmet with Senna SMH5. And the most essential thing that one should have in a long ride, that is the hydration pack. Well, stay tuned to the channel because we are also making a video about why this thing is most essential and why you should buy one. Okay, so that was the touring setup and अभी मुझे फटाक से तैयार होना है, देन मैं बिस्वी के घर जाऊंगा, फिर हम लोग वहां से राइड स्टार्ट करेंगे। सो वी विल मीट यू ऑन द बाइक्स। तो हेलो गाइस, विश्वजीत हियर। तो जैसे कि अंशुमन ने बताया, हम निकल पड़े अपने लॉन्ग राइड पे। वी हैव कवर्ड अबाउट 60 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होम्स। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बुरला संबलपुर। तो बुरला जाने के लिए दो तीन रूट ऑप्शन थे, सो वी डिसाइडेड टू टेक द रूट नॉट टेकन। ये रास्ता जो हम ले रहे हैं, ये हमको खोर्धा, कौंटेड़ो, दसपल्ला, सोनपुर, देन बुरला, ये रूट से हम जा रहे हैं। और ये रूट यूजुअल रूट से अराउंड 100-110 किलोमीटर ज़्यादा है। और हमने ये रूट के बारे में सुना था कि बहुत सीनिक रूट है और रोड्स भी अच्छे हैं। सो फार 60 किलोमीटर्स में अराउंड 40 किलोमीटर्स गांव के अंदर से लेके गया है ये रूट, और बहुत ही हम्स थे। सो वी आर बिट स्केप्टिकल कि ये रूट एक्चुअल में अच्छा है कि नहीं, बट नो इश्यूज, यही तो पार्ट है एडवेंचर का राइड में। दिस इज़ वॉट मेक्स राइडिंग नॉट बोरिंग। तो दिस इज़ दी दसपल्ला टाउन, एंड अभी यहाँ पे देखते हैं, अगर कुछ मन करेगा तो कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेंगे, या फिर दसपल्ला के आउटस्कर्ट्स में ही कहीं देख के रोक के थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे, थोड़ा बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, फिर अपना राइड कंटिन्यू करेंगे। होपफुली रोड्स अच्छा ही रहने वाला है, बिकॉज अपना जो फ्रेंड है, ही वॉज सेइंग दैट द रोड्स आर वेरी गुड। लेट्स सी, दिस इज गोइंग टू बी प्योर, यू नो, going through the scenic roads for all 300 kilometers. तो अभी हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है, 134 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं, और जैसा कि हमारे दोस्त ने बोला था, रोड्स हैव बिकम प्रीटी अमेजिंग। अभी दसपल्ला क्रॉस करके अराउंड 10 किलोमीटर्स हुए, और हम एक NH के साथ कनेक्ट हो गए, जो कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बगल बगल से टिल बुरला तक जाता है। और रोड आप देखिए कैसा है। बाकी हम और एक चीज़ के बारे में बोलना चाहेंगे, वो है हमारा राइडिंग पैंट। तो हम दोनों आज राइनॉक्स के राइडिंग पैंट पहन के चला रहे पहली बार। तो अंशुमन प्लीज़। सो दिस इज़ दी राइनॉक्स टिल्ट ईवो, एंड पैंट काफ़ी अच्छा है। अभी पहनने के बाद पता चल रहा है कि व्हाई यू शुड वेयर दिस।
बट हाँ वो जो नहीं जो प्रोटेक्टर है वो थोड़ा सा सेट नहीं बैठ रहा अभी भी, लाइक इफ आई एम स्टैंडिंग द प्रोटेक्टर का यहाँ पे रह रहा है, बट व्हेन आई सिट ऑन द बाइक वो प्रोटेक्टर ऊपर आ जाता है। हाँ वो प्रोटेक्टर का थोड़ा प्रॉब्लम है एडजस्टमेंट का, बट ओवरऑल पैंट बहुत अच्छा है टूरिंग के लिए। और टायर्स के बारे में क्या कहना है, बाय द वे वी बोथ आर रनिंग ऑन अपोलो अल्फा H1 फ्रंट एंड रियर, तो उसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? वेल टायर्स मैंने फ्रंट एंड रियर दोनों चेंज कराया था एट अ टाइम, एंड अभी मतलब बाइक इज वे मोर मीन्स यू नो ईगर, काफ़ी ईगर है बाइक की कॉर्नर लेने के लिए। ऑल्सो वो जब कॉर्नर लेता है इट स्टिक्स टू दैट, मतलब ऐसा नहीं कि ना हाँ कॉर्नर में इट जस्ट यू नो इट वॉन्ट्स टू लीन मोर और इट जस्ट वॉन्ट्स टू मीन्स गेट बैक टू द स्ट्रेट पोजिशन, ऐसा बिल्कुल नहीं। काफ़ी मतलब आई एम एक्चुअली लविंग दिस टायर्स। व्हाट अबाउट यू मिस्टर जी, मिस तुम्हारा तो पहले अपोलो पीछे लगा था, देन यू नो कल ही हम लोग अपना फ्रंट को चेंज किए थे, तो हाँ मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है टायर। यूज टू होने के लिए थोड़ा टाइम लगा मेरे को, क्योंकि मेडजिलर्स में मुझे थोड़ा बेटर कॉन्फिडेंस मिलता है, बट दीज आर नो लेस देन मेडजिलर। और बाकी रास्ता ऐसा ही कॉर्नर वाला मिले आगे, तो टायर का अच्छे से ही टेस्टिंग हो जाएगा और फ्यूचर में एक रिव्यू वीडियो भी बना लेंगे इसके ऊपर। To be honest, after riding for 130 kilometers through villages and bad patch of roads, we were not that hopeful about riding on some good tarmac. But then, things started to turn around. ये आ गया पेट्रोल पंप, और इधर गाड़ी के शोरूम भी बहुत है। होपफुली इधर कार्ड एक्सेप्ट करते हो। हाँ जाओ चल। सो अभी हम लोग पुराना कटक में हैं, एंड इट इज शोइंग दैट वी हैव मोर 108 किलोमीटर्स टू गो फॉर सोनपुर। फिर सोनपुर से बुरला इज अराउंड अनदर 100 किलोमीटर्स। तो अभी हम लोग आगे और एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जस्ट अपडेट ब्रेक, वो विंटर लाइनर वगैरह जो पहने हैं जैकेट में वो सब निकाल देंगे, एंड देन वी विल कंटिन्यू राइडिंग। क्यों ना अभी हम लोग अपना फ्यूल अप कर चुके हैं, तो वी डोंट थिंक वी नीड टू रीफ्यूल एनी मोर। सो सी यू एट द ब्रेक पॉइंट। तो ये हमारा फाइनल ब्रेक है बुरला से पहले, इसके बाद हम कोशिश करेंगे और रुकना ना पड़े और डायरेक्ट बुरला पहुंच के लंच करेंगे। और वैसे मैंने आपको बताया नहीं कि हम बुरला क्यों जा रहे हैं, तो इसके दो मेन रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि हमारा दोस्त शुभम, तो अगर आपको याद हो जिसने सुजुकी जिक्सर BS4 का डिलीवरी लिया था, तो वो बुरला में रहता है, मेडिकल करता है वहाँ पर, तो हम उसको मिलना चाहते थे तो उसके लिए जा रहे हैं। और दूसरा रीज़न है वो अंशुमन आपको बताएगा। ओके सो वेल द सेकेंड रीज़न इज़ वी बोथ हैव नेवर सीन द हीराकुड डैम। लाइक मैं बचपन में गया था एक बार, बट मुझे याद नहीं है कि वो कैसा क्या है। सो विश्वजीत ने कभी देखा ही नहीं है, तो दैट इज़ अनदर रीज़न वाई वी आर एक्चुअली गोइंग टू बुरला, बिकॉज लाइक विश्वजीत टोल्ड हमारा जो दोस्त वहाँ पर रहता है ही इज़ वेरी वेल वर्स्ट ऑफ द अदर टूरिस्ट अट्रैक्शंस एज वेल। सो हम लोग सोचे कि चलो यार एक वीकेंड तो है, चले जाते हैं वो एक बार हीराकुड डैम भी देख लेंगे और आस पास जो भी होगा वो भी घूम लेंगे। तो इसके बाद स्ट्रेट हम आपको बुरला पे मिलते हैं, शुभम को भी इंट्रोड्यूस करेंगे वीडियो में, और देखते हैं वीडियो का एंडिंग कहाँ होता है।
ओके सो राइट नाउ वी आर जस्ट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम बुल्ला एंड वी आर करेंटली क्रॉसिंग दिस ब्रिज। ये ब्रिज का नाम है तेल ब्रिज, पता नहीं क्यों इसका नाम तेल दे दिया है। पानी से रिलेटेड कोई नाम देना चाहिए। वैसे नदी में पानी बहुत कम दिख रहा है, होपफुली हीराकुद में पानी हो, नहीं तो इधर इतना दूर आने का कोई फायदा नहीं रहेगा। मैं तो पानी देखने ही आया हूँ। सोच तो गया होगा हीराकुद में पानी देखने के लिए, एंड इट विल बी अ बैरन, मतलब एकदम सूखा सूखा। नहीं, सूखा सूखा नहीं होगा, इतना बड़ा रिजर्वर हीराकुद डैम जो है उसके ऊपर जो रिजर्वर इतना बड़ा है, उधर पानी कम होने का चांस कम है। तो गेट अभी बंद होगा इसीलिए इधर सब। मे बी अभी नहीं, रिसेंटली उन्होंने गेट खोला था, वो एकदम फ्लड वर्ड भी हो गया था एकदम। बीच बीच में रोड्स इतना स्मूथ है, इतना मस्त है, बट एक एक जगह इतना ख़राब भी है कि पेस पूरा बर्बाद हो जा रहा है। अभी जैसे लाइक हम लोग एकदम स्मूथ रोड, मस्त रोड होके आए, फिर अभी यहाँ पे फिर से एकदम रोड बर्बाद। तो हम शुभम के रूम में पहुंच चुके हैं, लंच भी कर लिया, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया। पहले आप देखिए रूम से व्यू कैसा आता है। तो ऐसा व्यू अगर आपको हर मॉर्निंग देखने को मिले तो कैसा लगेगा। जैसे अभी हम जा रहे हैं दूसरे जगह, थोड़ा बुर्ला के आसपास की जगह एक्सप्लोर करने के लिए। सो वो आपको दूसरे वीडियो में देखने को मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वन।